रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया पुल के ऊपर तीन की संख्या में आरोपियों ने एक सराफा व्यापारी पर हमला कर दिया। सराफा व्यापारी का आरोप है कि तीन माह पूर्व इन्हीं आरोपियों के द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। सराफा व्यापारी खन्ना चौराहे के समीप अन्नपूर्णा ज्वेलर्स नाम की दुकान को संचालित करता है। घटना के संबंध में सराफा व्यापारी ने बताया कि इन्हीं आरोपियों के द्वारा तीन माह पूर्व उसके ऊपर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी। आज एक बार फिर आरोपियों ने उसके ऊपर हमला किया। शोर शराबा होने के बाद आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन जैसे ही वह खन्ना चौराहे के समीप दिखे, सराफा व्यापारी ने इस बात की सूचना पुलिस को कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान तीसरा आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। आरोपी सराफा व्यापारी पर निरंतर हमला क्यों कर रहे थे, हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ये लोग निपनिया पुल के ऊपर मिले थे और बंदूक लिए थे, कट्टा और एक तो तलवार लिए थे। उससे हमला करने की कोशिश की, जब हमने पकड़ने की कोशिश की उनको तो मारे हाथ में, तब तक मैं और भाई लोग आ गए थे, पकड़ के उनको ले आए फिर यहाँ। पहले भी घटना हुई, लेकिन पहले ये लोग भाग जाते थे देख के, और दोबारा ये लोग कोशिश कर रहे थे हम लोग ऊपर हमला करने की। भैया के साथ एक बार हमला हो चुका है, अकेले थे ये, तलवार से मारे थे इनको, पैर में लग गया था। और एक ही चल रही थी, तीन चार दिन और आए थे ये लोग, उनको मौका नहीं मिला। वजह नहीं पता चली, वजह नहीं, लूट करने की है, लूट की वजह है। एक बार पहले हो चुकी है, अभी तीन महीने पहले FIR हो चुकी है, पकड़े नहीं जा रहे थे। 13 मई को मेरा नाम अभिषेक निषाद। 13 मई को मेरे साथ दुकान बंद करते हुए जब मैं घर जा रहा था, तो ये तीन लड़के मेरा पीछा कर रहे थे दुकान से ही। और दुकान से पीछा करते हुए ये लोग जो है सिटी कोतवाली के आगे जो है मेरे ऊपर तलवार से वार किए, और जैसे ही मेरी गाड़ी धीमी हुई तो दोबारा मेरे ऊपर वार किए, है ना, मेरे हाथों में तीन चार जगह चोट आई। तो हाँ, उस समय FIR उसी दिन हो गई थी। आज ये लोग रास्ते में घूमते हुए दिखाई दिए, तो दुकान के लड़के लोगों ने मिल करके इसको रास्ते में पकड़ा है, जिनके पास से बंदूक और तलवार दोनों मिला है। तो लोग पकड़े गए? अभी पकड़े गए, दो ही लोग पकड़े गए, एक आदमी भाग गया है। हाँ, जो उनका गेटअप था वो सेम वही है, ये दोनों लड़के सेम वही लड़के हैं जो उस दिन घटना किए थे जी। नहीं, नाम से नहीं जानता हूँ, नाम से नहीं जानता। हाँ, ये हमला कर चुके मेरे ऊपर वही लोग हैं। मेरा नाम मनीष सोनी।